सामने ये जो कार देख रहे हैं ये नई MG हेक्टर है। इसको लेकर आपके मन में कई सारे सवाल थे, कई लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भाई ये बताइए कि अंदर स्पेस कैसा है, प्रैक्टिकल बताइए। तो आपके उस सारे सवालों का जवाब आज आपको दूंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला। मैं हूं सिद्धेश मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। तो चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं भाई ड्राइवर को क्या स्पेस मिल रहा है। इधर आइए आप और आपको इधर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर। गाड़ी को हमने थोड़ी सी अच्छी खासी गंदी कर दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है मेरी स्पेस वो अच्छा है। यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलता है, तो ये पूरी तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कितना दूर तक जा रहा है, ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए 5'11" मेरी हाइट है और ये मैं पूरा इस तरीके से हो गया। एक कमाल की चीज़ और आपको दिखाता हूँ, वो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो सनरूफ है। सनरूफ को मैं एक बार पूरी तरीके से ओपन कर देता हूँ और फिर जो मज़ा है ना यहाँ पर बैठ कर देखने का, वो बहुत ही कमाल का है। क्या कमाल की फीलिंग आ रही है। तो ड्राइवर के बगल में जो है वहां भी इतनी स्पेस मिलती है, पीछे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार इसको आगे कर लेता हूं मैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आगे जो है वो आपको अच्छा खासा डिसेंट स्पेस मिलता है अगर 5'11" हाइट है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं दिखाता हूं आपको कि कितनी जगह मिल रही है पीछे। तो ये जो देख रहे हैं ये एक डिसेंट वो है पोजीशन है, इस पर आप गाड़ी चलाते हैं। अगर इस पोजीशन पे आप गाड़ी चला रहे हैं, और थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ये 5'11" मेरी हाइट है। अगर इस पोजीशन पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे बैठे व्यक्ति को कितनी जगह मिलती है ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए आगे और ये देखिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जा रही है, ये देख रहे हैं। तो स्पेस के मामले में बहुत तगड़ा है, ऊपर हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है, तो वहाँ भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कार है। पीछे एक बार देखते हैं कि इसमें स्पेस कितना मिलता है भाई। इसके बूट स्पेस को खोलते हैं और वहाँ चेक करते हैं असली कहानी क्या है। तो ये दबाया, बूट स्पेस भी देखिए खुल रहा है। एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, कोई भी इसमें कट नहीं लग रहा, ताकि आप ये ना कहें कि भाई हमने अपनी तरफ से कुछ एडिट किया है या कुछ भी नहीं। बूट स्पेस देख रहे हैं क्या होता है, ये देखिए इसमें यहाँ पर भाई बैठ गया मैं और आराम से यहाँ पर ध्यान लगाओ। थोड़ा सा सर टच कर रहा है पर क्या करेंगे भाई, इतना तो बूट स्पेस में से ज़्यादा क्या स्पेस मिलेगी। तो ये देखिए पूरा आसानी से यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठ गया। अब एक और चीज़ दिखाते हैं और वो ये है कि इसकी जो सीट है वो फोल्ड होने के बाद कैसी हो जाती है। तो यहाँ से मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और ये इसको सीट को आगे फोल्ड कर देता हूँ। इसे पूरा फोल्ड कर दिया, अब इसे मैं पूरा चलता फिरता बेड बना दूंगा। आइए इधर, और यहाँ भी देखिए बिल्कुल वही कहानी है, इसे किया और ये देखिए अब ये 1 BHK हो गया। मैं जो भी बैठ रहा था अब आपको लेट कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर अंदर जगह कितनी मिलती है। तो ये देखेंगे ना तो ये प्रॉपर आपको जगह मिल रही है, ऊपर सनरूफ खुला है और वो जो मज़ा है ना बहुत ही कमाल का। तो MG हेक्टर में जो ये स्पेस है वो मैंने आपको दिखाया ताकि आपको आइडिया लग जाए। मेरी 5'11" हाइट है, अगर क्रॉस करके सोऊंगा तो पूरी जगह यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। तो देखिए मतलब पूरा एक इंसान गाड़ी में लेट गया और इतनी जगह यहाँ पर मिलती है। तो अगर आप बूट को हटा देते हैं, मतलब ये सीट को अगर फोल्ड कर देते हैं, तो पूरा एक इंसान यहाँ पर आसानी से लेट सकता है। तो भाई स्पेस के मामले में ना ये गाड़ी कमाल की है। और स्पेस में मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा। 1 नंबर क्यों काट रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता, 10 में 10 भी आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि MG हेक्टर को लेकर बार बार लोग कहते हैं कि बहुत ही हाईटेक कार है, एडवांस फीचर दिए हैं। इस पर अगली वीडियो जब करूँगा तो दिखाऊँगा कि कितनी स्मार्ट कार है ये और आपकी सेफ्टी जान की कितनी बेहतर रहती है इसमें। लेकिन ये जो पूरा वीडियो था स्पेस का, अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि इतनी बड़ी कार जो ये है उसमें आपको पीछे भी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। अगर आप इसको फोल्ड कर देंगे तो आप अपना सामान रख सकते हैं, फोल्ड नहीं भी करते तो अच्छा खासा लेग स्पेस मिलता है, हेडरूम मिलता है। और सामने की तरफ अगर आप ड्राइवर को देखेंगे तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो स्पेस के मामले में ये कार बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और ये जो वीडियो थी वो आपके सवालों के आधार पर बनाई थी, तो ऐसे कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उस पर हम एक ज़रूर वीडियो लाएंगे। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।